हाय गाइस, डाइटिशियन नेहा कोहली। और आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 18 हेल्दी टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे उन लोगों के लिए जो अपने ओवरवेट को लेके और ओबीज यानी हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर्स को लेके बहुत ही ज़्यादा वरी हैं, कॉन्शियस हैं, और उन्होंने अपने लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा होम रेमेडीज़ भी इंक्लूड कर ली है, वेट एक्सरसाइज भी कर लिया है, फिर भी उनका जो वेट है वो डाउन नहीं हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी 18 हेल्दी टिप्स, जिससे आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं, प्लस आपकी जो इम्यूनिटी है वो भी आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले आपको जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा फॉर फ्यूचर इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। प्लस आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओवरवेट एक हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर है, जिसमें एक्सेसिव बॉडी फैट डिपॉजिट होने लग जाता है और फ्यूचर में आपको हेल्थ रिलेटेड डिसीज़ या प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो इनके बहुत ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि बैक पेन का इशू होता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने में दिक्कत हो सकती है आपको, एब्डोमिनल ओबिसिटी यानी कि नेवल एरिया से नीचे आपका ज़्यादा से ज़्यादा फैट डिपॉजिट होना, सेल्यूलाइट यानी कि एक्सेसिव फैट डिपॉजिट होना स्टमक एरिया में, थाइस वाले एरिया में या फिर हिप्स वाले एरिया में आपका ज़्यादा से ज़्यादा फैट डिपॉजिट होना। नेक्स्ट, हाई कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत हो सकती है आपको, या फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे डायबिटीज़ है, स्ट्रोक्स है, या फिर कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत होती है, हार्ट रिलेटेड डिसीज़, जितने भी दिल की बीमारियाँ आगे फ्यूचर में हो सकती है अगर आप ओवरवेट हैं या ओबीज हैं। तो इससे इन्हीं से बचने के लिए मैं आज आपको 18 हेल्दी टिप्स बताऊंगी। तो सेल्फ ट्रीट आप इनको किस चीज़ों से कर सकते हैं, तो इसके लिए 4 पॉइंट्स हैं जो कि आप नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो सेल्फ ट्रीटमेंट के लिए सबसे फर्स्ट ऑप्शन है आपका, आप अपने डाइट में फ्यू कैलोरीज यानी कि बहुत ही कम कैलोरीज इंक्लूड करिए, बट हेल्दी डाइट ऑप्शंस रखिए अपने उसमें, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, दाल हैं या फिर फ्रूट्स हैं, ये इंक्लूड कर सकते हैं। लिक्विड हैं, लिक्विड इंटेक इंक्लूड कर सकते हैं, लिक्विड से बनी हुई चीज़ें जैसे लेमोनेड है, कोकोनट वाटर है, वाटरमेलन का जूस है, फ्रूट जूस है, ये इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शंस हैं आपको हेल्दी फूड चॉइसेस यानी कि हेल्दी फूड ऑप्शंस अपने डाइट में रखने हैं, अवॉइड जंक फूड, ऑयली फूड्स, जितने भी रिफाइंड फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, पैक्ड फ्रूट जूस होते हैं, इसको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करिएगा। जितना भी आप हेल्दी अपने आप को रखेंगे, ऑब्वियसली आप अपने आप को इनर साइड से बहुत ज़्यादा हेल्दी महसूस कर सकते हैं, प्लस फेस ग्लो के लिए बहुत ही सही है आपका, अगर आप हेल्दी ऑप्शंस अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो। नेक्स्ट है अपने मतलब लाइफ स्टाइल में आप एक्सरसाइज इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर वेट डाउन कर रहे हैं तो प्रॉपरली हेल्दी मील के साथ साथ आपको एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी जो एक्सेसिव कैलोरीज हैं वो बर्न हो सके और फैट आपका कम हो सके। नेक्स्ट, फोर्थ ऑप्शंस हैं आपके, आपका वेट मैनेजमेंट यानी कि आपको नोट डाउन करना है कि आपका पर वीक या आफ्टर 20 डेज आपके बॉडी के अकॉर्डिंग कितने समय में आपका वेट डाउन हो रहा है और कितना टाइम लग रहा है आपको 1 या 2 kg कम करने में। नेक्स्ट है, ये सारे चीज़ें थी आप सेल्फ ट्रीट कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि 18 हेल्दी टिप्स कौन कौन से हैं जिससे वेट आपका लो हो जाएगा, प्लस आप अपने मेटाबॉलिज्म को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फर्स्ट है, ड्रिंक वाटर बिफोर मील एंड आफ्टर मील हाफ एन आवर के बाद, यानी कि बिफोर हाफ एन आवर और आफ्टर मील हाफ एन आवर के बाद आप वाटर ले सकते हैं 1 या 2 ग्लास,
जो कि आपके 24 से 30% एक्सेसिव कैलोरीज को बर्न करने में हेल्प करेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही सही है। ऐसा करने से आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्टअप होगा, प्लस वेट जो है आपका वो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप बिफोर मील और आफ्टर मील एक एक गिलास पानी पीते हैं, तो आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन रिच डाइट, यानी कि नेक्स्ट ऑप्शन, अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो प्रोटीन इंक्लूड करिए। जैसे एग्स हैं, अगर आप अर्ली मॉर्निंग एग लेते हैं तो हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। कोई भी सोर्स ऑफ प्रोटीन आप ले सकते हैं, जैसे कि स्प्राउट्स हैं या फिर बेसन का चीला होता है, आप वो इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, आपको अगर कोई भी प्रोटीन आप लेते हो तो ये आपको 36 आवर्स तक प्रोटीन, आपको हेवी मतलब टाइम लगता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, तो ये आपको क्या करेगा, 36 आवर्स तक आपको थोड़ा सा हेवी फील कराएगा, जिससे आपको आगे भूख नहीं लगेगी और आप कम खाना खाएंगे, फ्यू कैलोरीज आप अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे। तो ये भी एक ट्रिक है जिससे आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हर्बल टी, यानी कि जिसमें आपको 10 to 29% आप अपने डाइट है वो आप इन हर्बल टी से आप लोअर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इसका हर्बल टी बनाने के लिए ऑप्शंस है, आप उसमें तुलसी, जिंजर या फिर गार्लिक, टर्मरिक, तुलसी विदाउट शुगर, ये आप इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि आप एक तरह का एंटी बैक्टीरियल भी है और एंटी इंफ्लामेटरी भी है। तो ये आपका जो वेट है वो लोअर डाउन करने में हेल्प करेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। ये आपका 10 to 29% बॉडी फैट जो है वो कम करेगा, कम करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पॉइंट है फास्टिंग, यानी कि हफ्ते में एक आधी बार आपको भूखा मतलब फास्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भूखा रहने का मतलब ये है कि आपको पूरे दिन कुछ नहीं खाना, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी हेल्दी ऑप्शंस आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हैं या फिर कोई भी लिक्विड इनटेक आप ले सकते हैं हेल्दी ऑप्शंस में, जैसे कि फ्रूट जूस है या फ्रूट चाट इंक्लूड कर सकते हैं। अवॉइड, आपको इसमें क्या होगा, इस ये करने से आप जो कैलोरीज है एक्सेसिव कैलोरीज वो आप अपने लाइफस्टाइल से कट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है शुगर, जितना भी हो सके आपको जो शुगर है वो कम से कम रखना है। अगर आप शुगर अवॉइड करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है, यानी अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं उसको तो बाद में फ्यूचर में Type 2 डायबिटीज़ होने का भी आपको खतरा हो सकता है। तो इसको कोशिश करिएगा कि शुगर कम से कम आप इंक्लूड करें, 1 या 2 टेबल स्पून से ज़्यादा आपको इंक्लूड नहीं करना है। और हो सके तो आप हर्बल टी पे ही ज़्यादा फोकस करिए, जो कि आपके 10 to 29% जो फैट है उसको बर्न करने में हेल्प करेगा। नो नेक्स्ट है 6th ऑप्शन है आपका ईट लेस रिफाइंड ऑयल, यानी कि रिफाइंड कार्ब्स, जैसे कि पास्ता है, वाइट ब्रेड है, जिससे क्या होता है, ये जितने भी रिफाइंड प्रोडक्ट्स होते हैं बाद में चल के इससे क्रेविंग मतलब आपकी जो क्रेविंग है, फूड क्रेविंग वो बढ़ने लग जाती है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि इससे आपका हंगर बढ़ता है, तो इसको ओवर कंजप्शन भी नहीं करना है। इसकी जगह आप हेल्दी ऑप्शंस रखिए, सिंपल रोटी सब्जी इंक्लूड कर सकते हैं, पास्ता वाइट ब्रेड से आपको ज़्यादा क्रेविंग होगी तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा कैलोरीज अपने बॉडी में इंक्लूड करोगे, जिससे आपका वेट अगर डाउन नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जितने भी रिफाइंड कार्ब्स हैं इसको। नेक्स्ट है रहेगा आपका, वो होगा आपका यूज़ स्मॉलर प्लेट्स, यानी कि कम से कम हो सके तो आप जो पोर्शन साइज होता है खाने की प्लेट का वो कम से कम रखने की कोशिश करिए। अगर आप ऑब्वियसली छोटे बाउल में ले रहे हैं तो उसमें फ्यू कैलोरीज आपकी होंगी, कोई भी अगर दाल छोटी कटोरी में ले रहे हैं तो उसमें कम
अमाउंट पे डाल जाएगी जब अकॉर्डिंग टू होता है तो हम वो कंज्यूम कर लेते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अगर आपके आसपास जो भी हेल्दी ऑप्शंस जैसे कि आलमंड्स हैं या फ्रूट्स हैं, आपको वो इंक्लूड कर सकते हैं डाइट में, जिससे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, जिससे आप जो होंगे ज़्यादा रिफाइंड वाली चीज़ें नहीं इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। 7 to 8 hours की स्लीप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको। 14th है आपका, जितने भी बिंज ईटिंग यानी कि किसी को ओवरनाइट ईटिंग यानी कि रात में कभी भी भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा। तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही ऑप्शंस बता दिए हैं कि आपको कैसे क्या क्या करना है, क्या ऑप्शन इंक्लूड करने हैं डाइट में। नेक्स्ट 15th है कि अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा शुगरी आइटम्स जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हैं, पैक्ड फ्रूट जूस हैं, इसमें 60% से ज़्यादा आपको जितने भी शुगरी फ्लेवर्ड हैं कैलोरीज इंक्लूड होती है। तो ये आपको क्या कर सकता है कि आपको कैसे क्या क्या करना है, क्या ऑप्शन इंक्लूड करने हैं डाइट में। नेक्स्ट 15th है कि अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा शुगरी आइटम्स जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हैं, पैक्ड फ्रूट जूस हैं, इसमें 60% से ज़्यादा आपको जितने भी शुगरी फ्लेवर्ड हैं कैलोरीज इंक्लूड होती है। तो ये आपको क्या कर सकता है बाद में चल के ओबीज या फिर ओवरवेट और भी ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर कर सकता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ें आपने अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करनी है। नेक्स्ट, रियल फूड मतलब रीज करना है जैसे मैंने आपको बताया है, और जितना भी 18 ऑप्शन है आपका, जितना भी खाने को हो सके जल्दी जल्दी नहीं खाना है, बल्कि आपको बहुत ही स्लोली स्लोली खाना है। अगर आप थोड़े थोड़े अमाउंट पे स्लोली स्लोली खाते हैं तो आपका जो है, आपका जो प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन है वो इंक्रीज़ होने लग जाता है, जिससे आपका जो वेट लॉस है वो डाउन होने लग जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये सारे 18 हेल्दी टिप्स को अपने डाइट में इंक्लूड करिए। अगर किसी को भी हेल्थ रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं या फिर वेट डाउन नहीं हो रहा है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, प्लस मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं neha_kohli0161 पे। और ये 18 हेल्दी टिप्स को अपने डाइट में इंक्लूड करिएगा, आप हेल्दी हो सकते हैं, हेल्दी इम्यूनिटी बूस्टअप ड्रिंक ले सकते हैं, जैसे जिंजर टर्मेरिक टी है या फिर हर्बल टी जैसे मैंने आपको बताया वो इंक्लूड करिएगा। तो अगर कुछ भी आपको क्वेरीज हो आप कमेंट पे मुझे लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। तो ध्यान इंक्लूड करिएगा, आप हेल्दी हो सकते हैं, हेल्दी इम्यूनिटी बूस्टअप ड्रिंक ले सकते हैं, जैसे जिंजर टर्मेरिक टी है या फिर हर्बल टी जैसे मैंने आपको बताया वो इंक्लूड करिएगा। तो अगर कुछ भी आपको क्वेरीज हो आप कमेंट पे मुझे लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड करिए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे फिट।